हेलो एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आयस सो स्टूडेंट्स हाउ प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन देखो मैं शुरू से ना एक ही बात कहता हुआ रहा कि आपके पास तीन मेजर सेक्शन है, है ना जो आपके पास सी सेट में आते हैं सबसे पहले क्वांट दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन <laughs> टोटल एटी क्वेश्चन आने मैक्सिमम जो हमारा पार्ट एग्जाम का आज के टाइम में कवर हो रहा है ना वो कवर हो रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट आपके पास तीस से क्वेश्चन है ना उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश में बराबर बराबर ही लगा के चलो कि क्वेश्चन के राउंड आ रहे तो मेरे पास जो मैं टारगेट करूंगा ना वो सबसे पहले मैं किसे टारगेट कर, कर सकता हूँ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट कर सकता हूँ जहां से तकरीबन एक से दो क्वेश्चन हर साल आ रहे जैसे कोडिंग डी ठीक है एक से दो क्वेश्चन आ रहा है और नंबर सीरीज जो हम कर रहे हैं जिसका एक पार्ट में करवा चुका हूं और जिस पार्ट वन में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स पार्ट वन में हमने कवर किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पीवा क्यों क्लियर, क्लियर किया था यस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया था तो क्या स्ट्रेटी होनी चाहिए कि अब वो इजी टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हो इजी टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हो और उनको आप माइक्रो कोर्स के थ्रू भी कर सकते हो उनको माइक्रो कोर्स के थ्रू भी आप उनको टारगेट कर सकते हो कैसे वो बताऊंगा इस इस वीडियो वीडियो के लिंक माफ कीजिएगा तो बट, तो बट मेजर टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, कैसे कवर करना है? क्या स्ट्रेटी होगी आगे जाके कैसे हम इसको कवर करेंगे ये सारी चीजें कैसे पता पहले मुझे कैसे पता चलेंगी ये मुझे पता चलेंगी मेरे इस बैच के थ्रू डिटेल आपको पता है सारी सारी लिखी हुई है फिर भी मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों ये बैच मेरा जीरो टू हीरो बैच है मतलब कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं मेरे पास आओ मैं सब करवाऊंगा देखो बेसिकली इसकी टाइमिंग मेरी तीन से लेके चार है ना डेढ़ घंटे का बैच है बट ये रहता है मेरा पांच बजे तक कम से कम कई बार क्लास ज्यादा लंबी भी हो सकती है डिपेंडिंग चैप्टर और क्लास के रिस्पांस पे भी डिपेंड करता है ठीक है नेक्स्ट मेरे पास क्या है? फोर डेज अ वीक हफ्ते में चार दिन इसकी क्लासेस रहेंगी टोटल लेक्चर्स मेरे पास 180 प्लस हैं 180 से ज्यादा लेक्चर्स हैं अब किस वे में देखो <coughs> इसको पार्ट ए और पार्ट बी मैंने ऐसे कवर किए इसमें कितने लेक्चरस हैं मेरे पास 90 और उसमें कितने हैं 90 प्लस अब ये 90 90 प्लस का क्या खेला जरा

कि वो मेरे को एक्चुअली ये मेरा ना ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है मेरा ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो अगर ये मेरे पास ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है तो ये नब्बे लेक्चर मुझे यहीं पे मिल रहे हैं ये नब्बे लेक्चर मेरे को यहीं पे मिल रहे हैं लाइव बैच में अब इस नब्बे लेक्चर को भी तीन में डिवाइड कर दिया मैंने कैसे कि अगर मैं नाइनटी की बात करूं पचास लेक्चर मुझे क्वांट के मिल रहे हैं पच्चीस मुझे सिस्टम बहुत डेप्थ में रहा है। एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का छोड़ा नहीं है 2015 से लेके साल तेज तक ऑलमोस्ट या वो असाइनमेंट में होगा या वो आपके पास लाइव लेक्चर में होगा क्लियर तो डरने वाली कोई नहीं आइए और एंजॉय कीजिए इसको एक्चुअली एक जर्नी है ये आपको इंजॉय करनी है फाइनल सी सेट तो हमें क्वालिफाई करना है इतना करने के बाद क्या टारगेट करेंगे हम एटलीस्ट हंड्रेड प्लस मार्क्स इससे कम का तो वही जिक्र ही नहीं करना हमें वो लाखों बच्चों की तरह ना क्वालिफिकेशन की रेस में नहीं भागना कि बस क्वालिफाई करना भागो भागो भागो, भागो नहीं हमें कुछ अलग करना है हम ऑलरेडी उस रेस से बाहर हो चुके हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ चुके हो समय ज्यादा नहीं है आज ही अवेल कीजिए बिकॉज अब मुठ्ठी भर समय बचा और समय रेत की तरह निकलेगा ध्यान रखिएगा एक एक दिन भारी पड़ने वाला आपके लिए क्लियर

आपको जैसे आपका चार दिन है तीन दिन जैसे भी आपको शेड्यूल देखा जाएगा सपोज करो मुझे शेड्यूल दिख गया वहाँ पे लेक्चर दिखेगा तो लेक्चर के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको देखो सबसे पहले इस लेक्चर में मुझे लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी ये बताता हूँ क्या होती है नंबर दो पे क्या मिलेगी रिसोर्सेज ठीक <coughs> है जी नंबर तीन पे क्या मिलेंगे प्रैक्टिस शीट

सेशन लगा सकते हैं क्लियर डिस्कशन भी करेंगे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या आप कहो डाउट सेशन कुछ भी जो आप नाम देना चाहें वो आप दे दीजिए क्लियर और सबसे इंपॉर्टेंट अब वीकली किस बेसिस कि किया कैसे? किस वे में बताइए मुझे जरा कोई है तरीका बिल्कुल तरीका है वो है मेरा वीकली टेस्ट वो है मेरा क्या है वीकली टेस्ट जो हर संडे को जो हर हर संडे को होता है एक बजे क्लियर जो एवरी संडे को एक बजे होता है बच्चों पोर्टल पे शो हो जाएगा आपको वहां से आप ऑनलाइन देना चाहे तो ऑनलाइन दे सकते हैं, आप कर सकते हैं। यहां पे आने के ना, आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा बट एक कंडीशन होती है कि टाइमली रिवाइज करते रहिए चीजों को दैट्स इट बस इतना सी बात है और कुछ नहीं है क्लियर तो चलिए चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ बट उसके पहले आपको एक चीज और मिलेगी लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का जिसे भी आप ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है क्लियर तो दो लिंक ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है सबसे पहला कौन सा है मेरा फुल कोर्स का लिंक नंबर दो पे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप का तीसरा कौन सा है वो बताएंगे वीडियो के अंत में वो एक्चुअली आपको पता है जो देख रहा है ठीक है चलिए नंबर सीरीज पार्ट टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज बताइए जरा कि अगला अंक कौन सा होगा इस नंबर सीरीज का देखो <coughs> सबसे पहले क्या है दस है फिर छह है फिर आठ है फिर पंद्रह है मुझे अगला अंक बताना है चौंतीस चौबीस अट्ठाईस और तीस ये बताना है बताइए जरा क्या होगा इसका नेक्स्ट नंबर कमेंट सेक्शन में आपने आंसर करके बताना है, बताओ <laughs> देखो दस से छह पे जाना छह से आठ पे जाना आठ से पंद्रह पे जाना अगर आप यहां पे देखो कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है चार प्लस हो रहा है यहां पे कितना हो रहा है दो यहां पे कितना हो रहा है सात तो चार दो सात कुछ मुझे इंटरलिंकेज मिल नहीं रही <laughs> बट अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एक्चुअली में क्या है मेरे पास टेन इन टू वन बाई टू प्लस वन ध्यान से देखो वट आई एम कि टेन का हाफ क्या टेन को आप क्या बोलो कि टेन को मैंने क्या किया जीरो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई किया और इसमें वन एड कर दिया पांच एक क्लियर नेक्स्ट देखिए इस हिसाब से यानी सिक्स इंटू वन प्लस टू कुछ ऐसा है यानी ये कितना होना चाहिए एट इन

1.5 और ये 2 प्लस 1, 2, 3 एंड 4 तो कितना आ गया मेरे पास 34 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन क्लियर तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहां पे अभिमन्यु इस पे पढ़ने को मिल रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चलिए चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इज इलेवन 12.2, पॉइंट टू और लास्ट टाइम मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क आई टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क क्लियर एम गिविंग यू कंप्लीट टेन सेकंड्स टू टॉल दिस इतने में हो जाना चाहिए <coughs> ये 18.2 है <coughs> चलो देखो ये कितना है मेरे पास इनका डिफरेंस 1.2 है ध्यान से देखो इसका डिफरेंस कितना, कितना है पॉइंट सिक्स माइनस पॉइंट फोर फोर्टीन माइनस टूस टू पॉइंट फोर नेक्स्ट कितना है थ्री पॉइंट सिक्स फोर्टीन में थ्री एट की सेवनटीन पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स कितना हो गया वन पॉइंट टू पॉइंट एट नेक्स्ट कितना आएगा देखो ये कितना आ गया इसमें क्या ऐड हो रहा है वन पॉइंट टू रहा है फिर क्या हो रहा है वन पॉइंट टू एट है डेफिनेटली नेक्स्ट नंबर पर वन पॉइंट टू होगा कितना होगा फोर पॉइंट ट इसमें फॉरमेट एड एड करो अठारह चार बाईस पॉइंट एट पॉइंट टू वन तो कितना आ गया ट्वेंटी <coughs> थ्री ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो दो बेहतरीन क्वेश्चन किए और बिना किसी एफर्ट के बहुत कम एफर्ट्स के साथ हमने इन क्वेश्चन को किया है जल्दी से नोट कीजिए ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी थ्री इज द राइट आंसर अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कंप्लीट दीरीज ट्वेंटी वन फिफ्टी सिक्स वन जीरो टू वन सिक्स जीरो टू थर्टी वन एंड थ्री वन सिक्स चलिए लेट मी राइट इट आउट जब तक आप सॉल्व कर सकते हैं ट्वेंटी सिक्स वन जीरो टू वन सिक्सटी टू थर्टी वन थ्री वन सिक्स करी दे रहा है इस क्वेश्चन को

फोर्टी फोर और कितना फोर्टी सिक्स आ गया पाँच चार नौ छः छः बार ठीक है नेक्स्ट कितना आ गया डिफरेंस फिफ्टी एट नेक्स्ट डिफरेंस कितना है 70, चालीस और इकतीस 71, वन देखो ये कितना आ गया यहाँ से बचा थर्टी नाइन और सॉरी सिक्सटी नाइन और सत्तर और सोलह कितना हो गया एटी फाइव क्लियर ये बेसिकली डिफरेंस है अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा है तो इसको कीजिए जरा देखो पैंतीस और कितना डिफरेंस आया क्या ग्यारह आ रहा है बिल्कुल यहां पे क्या पे तेरह डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल क्या यहां पे फोर्टीन डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल एक्चुअली क्वेश्चन किसका है कौन सी टाइप है ये आपके नंबर सीरीज की डिफरेंस ऑफ ये है आपका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट कितना है डेफिनेटली कितना आना चाहिए पंद्रह तो एटी फाइव प्लस इज हाउ मच हंड्रेड तो तीन सौ सोलह में अगर आप सौ जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास चार सौ सोलह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्लियर बिल्कुल सही आंसर था प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए जल्दी से नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ेगी और सॉरी चलेंगे नोट कर लीजिए प्लीज चलिए चलो बेटा फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज देखो ये कितना एक सौ अठारह एक सौ छियासठ एक सौ नब्बे दो सौ दो दो सौ आठ और यह है क्वेश्चन मार्क ठीक है करिए चलिए देखो जरा ध्यान से अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे 20 कि कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको अगर 20 देखो एक सौ अठारह है और मुझे जाना है कि इस पे वन पे तो डेफिनेटली कितना हो गया मेरे पास 50 में ना अड़तालीस आ गया ठीक नेक्स है नेक्स्ट कितना आपके पास अगर ध्यान से देखोगे तो चार और बीस चौबीस आ गया नेक्स्ट देखें तो क्या हो गया बारह आ गया नेक्स्ट देखें तो क्या छः आ गया इसका मतलब हो क्या रहा है? डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू टू, टू. दिवादे दिवादे टू। तो तीन ऐड करेंगे तो प्लस तीन करोगे कितना आंसर आ गया दो सौ ग्यारह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन क्लियर नोट कीजिए प्लीज इसको <coughs> <coughs> चलिए ऑप्शन नंबर दो सौ द राइट आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैक्सिमम कैसे आएंगे देखिए मुझे क्या दिया भाई टर्म बताने है. देखो जीरो टू थ्री फाइव एट टेन फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स एंड थर्टी फाइव देखो आपको हो क्या रहा है यहाँ पे दो ऐड हो रहा है अगर बेसिकली मैं इसको मान के कि सिंगल सीक्वेंस का है मेरे पास ड्यूलियर ट्रायल नहीं है तो यहाँ पे दो ऐड हो रहा है यहाँ एक ऐड हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है फिर दो फिर तीन फिर पांच सॉरी दो पांच मतलब कोई भी अन ईवन हो रहा है इवन मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा मुझे तो चेक करो नेक्स्ट कहे ऑल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है जैसे जीरो से तीन पे गई तो भाई तीन जुड़ा तीन से आठ पे गए ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक तीन से आठ पे गए कितना जुड़ा पांच जुड़ा आठ से हम पंद्रह पे गए सात जुड़ा पंद्रह से हम चौबीस पे गए तो कितना जुड़ा नौ जुड़ा चौबीस <coughs> से हम पैंतीस पे गए तो ग्यारह जुड़ा तो क्या हुआ मेरे पास तीन पाँच सात नौ ग्यारह ठीक है मतलब इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है मैं बात करूँ दो का कर डिफरेंस है दो का डिफरेंस है दो का डिफरेंस एक दो मुझे जज की सीरीज हाँ कि ये ऐसा हो सकता है ठीक है ये सीरीज में मुझे दिक्कत नहीं लगी नेक्स्ट वाली को सर्च आउट करते हैं क्या उसमें कुछ ऐसा है चलिए नेक्स्ट वाले का देखो देखो दो प्लस मैं तीन मतलब यहाँ तीन जुड़ रहा है ठीक है भाई यहाँ भी तीन जुड़ रहा था तीन के बाद यहाँ कितना जुड़ रहा है ओ सॉरी दो ओ, एक माफ कीजिएगा का लिखा गया जीरो से स्टार्ट नहीं करनी मुझे स्टार्ट करनी दो से देखो दो से आया पाँच पे मैं कितना जुड़ा ठीक है जी तीन जुड़ा पाँच से आया मैं दस पे कितना जुड़ा पाँच जुड़ा ठीक है यहाँ पे भी दस से मैं आ गया अट्ठारह पे कितना जुड़ा आठ जुड़ा ठीक है बट कितना होना कितना चाहिए तीन पांच सात होना चाहिए इसका यहां पे कितना आना चाहिए अगर यहां पे आता भाई जान सोचो तो सात जुड़ा अच्छा सात के बाद यहां कितना जुड़ा छब्बीस के लिए नौ जुड़ा बिल्कुल बस तो यही सीक्वेंस है तो मेरे पास अठारह गलत है अठारह क्या आना चाहिए मेरे पास सेवनटीन ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर प्लीज नोट कीजिए नोट कर लो फटाफट बच्चों इसको ठीक है और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हो ना कर लेना चैनल को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो आपके पास आने वाली है ठीक है चलो रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन मैंने करवाया था लास्ट क्लास में भी ठीक है चलो नेक्स्ट नंबर वट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क चलिए भाई देखो वन टू फोर्टी फोर वन सिक्सटी थ्री वन नाइनटी एंड लास्ट कितना है वन एट्टी वन लास्ट में है क्वेश्चन मार्क बताइए जरा क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा लग रहा है कि स्क्र क्यूब के आसपास की कोई टर्म्स हैं देखो बेसिकली ये कितना है इनका डिफरेंस कितना है 243 इसका डिफरेंस कितना लग रहा है आपको क्या 81 लग रहा है इसमें 81 वन जीरो वन सिक्सटी चार टू बिल्कुल एटी है अच्छा इनका डिफरेंस तो साफ साफ सत्ताईस दिख रहा है एटी का डिफरेंस क्या दिख रहा है नो अब बेसिकली आपको पता चलना चाहिए क्या है? ये क्या है तीन का स्केयर का क्यूब थ्री पर पोर और थ्री रेस्ट पावर फाइव कह सकता हूं कि हर वैल्यू को मैं तीन गुना कर रहा हूं जो इनका डिफरेंस है, वो क्या हो हो रहा रहा है रहा है टाइम्स क्लियर तो ये भी क्या होगा थ्री तो होना चाहिए हाउ मच वन एटी फोर जो कि ऑप्शन नंबर डी मुझे साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स क्लियर जल्दी से नोट कीजिए <coughs> लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए चैनल को ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर तो डिफरेंस वाले काफी क्वेश्चन आते हैं आपको ध्यान रखिए जो बेसिकली क्वेश्चन है वो डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस हो गए मल्टीप्लाई करके ऐसे वाले ज्यादा आते हैं आपको क्लियर चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की लास्ट का फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज भाई इसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब सॉरी कमेंट बॉक्स में चाहिए चाहिए मुझे इसका आंसर देखो कितना है चार सौ चार चार सौ पंद्रह चार सौ दो चार सौ तेरह एंड चार सौ बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बड़ा इजी सा ट्राई कर सकते हैं कर लीजिए है? अगर तेरह गया? क्या आएगा फिर प्लस ग्यारह आंसर इज फोर क्वेश्चन में क्लियर तो ये बेहतरीन क्वेश्चन थे ये टॉप तो फाइव सीरीज नहीं है उससे छोड़ के मैं चाह रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको एक या दो या तीन जितने भी होने क्लियर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को मत करना भूलिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट्स क्लियर चलिए नेक्स्ट मेरे पास मैं फिर वही बात बोलूंगा कि भाई बेहतरीन जो आपके पास बैच है बना बना है बहुत बढ़िया वाला तीन से साढ़े चार आपकी क्लासेस हैं ठीक है चार दिन में एक सौ अस्सी प्लस लेक्चर्स मिल रहे हैं जिसमें नब्बे क्वा पचास क्वांट के हैं ठीक है पच्चीस लॉजिकल के पंद्रह ये आपको लाइव बैच में मिल रहे हैं नब्बे लेक्चर्स पंद्रह इंग्लिश के प्रीवियस ईयर लेक्चर कितने मिल रहे हैं पंद्रह मिल रहे हैं आपको

सपोज की जैसे नंबर सीरीज में आपको लगता है दिक्कत है कोई भी एक चैप्टर उठाकर देख लो तो क्या उस एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए पूरा कोर्स को हम टारगेट करेंगे नहीं जो चीज मैंने कर ली है मैं उसको बिल्कुल टारगेट नहीं करूँगा स्टूडेंट्स मैं सिर्फ उसी चीज को लेना पसंद करूँगा जो मुझे चाहिए जैसे नंबर सीरिंग कोर्डिंग डिकोडिंग एब्लेशन या कोई भी चैप्टर हो क्लियर इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो टोटल तो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीन लिंक हो गए फुल कोर्स का आपके माइक्रो कोर्स का और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का क्लियर चलिए यह है आपके पास अबीपीडिया नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म चलिए बेटा तो हम टारगेट कर रहे हैं सीसेट दो हजार चौबीस सारेक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज टेस्ट कोर्सेज और माइक्रो कोर्सेज एंड माइक्रोवर्स यहां पे दस डिज का मोबाइल नंबर डालना सबसे पहले आपका फर्ज है नहीं डालना तो नाइन फाइव वन ट्रीपल सेवन वन सिक्स फाइव वन इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए टीम आपके साथ जुड़ जाएगी क्लियर सबसे पहले मैथ एंड मेंटेबिलिटी की बात करते हैं जैसे मैथ मेंटल एबिलिटी की बात करो पैंतीसो बासठ रुपए का पूरा बंडल है जैसे नंबर सिस्टम जो मतलब एक सा चैप्टर है वो लगता है कि हाँ थोड़ा सा मुश्किल आपको आ सकते मुश्किल आ सकते हैं इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ तीन सौ चौबीस रुपये का ऑलमोस्ट आपको पता वन फोर्थ आ रहा है अट्ठारह बीस क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही आ रहे हैं खाली आपके क्लियर नो वेब नोट्स चार सौ तेईस क्वेश्चन और आपका तीन सौ सिर्फ तीन सौ चौबीस रुपए का मतलब तीन सौ चौबीस रुपए में दस लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको वेब नोट्स भी मिल रहे हैं वेब नोट्स क्या है वेब नोट्स में थेरेटिकल पार्ट हो सकते हैं जो मैंने रिसोर्सेज वाली बात बताई थी सेम वेब नोट्स में यहाँ पे

गाइड जरूर करूंगा कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें तो प्लीज वर्ड बिल्डिंग रीजन क्या इसका द रीजन बिहाइंड है, है ना तो बोलते बताओ इसका मतलब क्या है या कॉम्प्रिहेंशन में कुछ भी पूछ लेगा आपसे ऐसे नहीं कहूंगा कि ही पूछेगा एक लाइन होगी जिसके बिना आप अंसर नहीं बता सकते और उसमें कुछ टिपिकल वर्ड यूज होंगे पैंसठ रुपए में क्या मिल रहा है देखो आपको कोर्स कवर्स फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है एंटोनिमेंट एनिमेंट वेरियस एग्जाम्स क्लियर तो दो वेब नोट्स है मल्टीपल चोस क्वेश्चन है आपके पास क्लियर और सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी फाइव रुपीज़ का क्लियर तो प्लीज इसको आज ही आज अवेल कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मैं नहीं कहता नंबर वन है आई एम नॉट से पच्चीस साल से बाईसो प्लस सिलेक्शन के अब यूमन यूस नंबर वन आइस इंस्टीट्यूट है नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट है क्यों नहीं कहता क्योंकि मुझे जरूरत नहीं बोल रही मेरी सिलेक्शन बोल रही है कैसे देखिए फिफ्टी मन रहा हमारे पास है फिफ्टी सिक्स 91, 105 और सारे के सारे 2022 हजार के सिलेक्शन है से, सी एस सी का कितना था 138 मैं बात करूं आमिर खान की 154 फिफ्टी फोर रैंक मत अभी भरोसा नहीं आ रहा मत करो बट इन बच्चों ने बच्चों ने नहीं इन अधिकारियों ने इन आई ऑफिसर्स ने जो लाइनें लिखी हुई हैं उनको तो पढ़ोगे नाम के साथ लिखा हुआ है पढ़ो इन्हें मैं नहीं कह रहा मैं कुछ नहीं कह रहा आई एम नॉट से सिंगल वर्ड बट इनके जो शब्द है ना एक आई ऑफिसर के शब्द है इनको देखिए नई भी परचेज करना एटलीस्ट पढ़ो इसको पोर्टल पर जाके पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है क्या लिखा है इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में क्योंकि यहां मेंटरशिप होती है अगर कोई बच्चा लग रहा है वीक है तो पास बिठाएंगे बेटा कहां दिक्कत आ रही बताइए इसी तरीके से चलता है ये सारे बच्चे क्यों टॉपर्स थे रीजन इन्होंने जीएस के साथ सी सेट को भी इंपॉर्टेंस दिया ये नहीं काम किया नहीं 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 सिर्फ जीएस को पढ़ रहे सी सेट को लास्ट के एक दो महीने में पढ़ लेंगे फिर क्या फायदा फिर वही वाली बात दो हजार तेईस में हुआ है वही चौबीस में हो जाएगा फर्क ड मैटर आप वहीं बैठे हो आज भी कल भी वहीं बैठोगे आज भी यूट्यूब की वीडियोज़ देख के काम चल रहा है कल भी चल जाएगा बट वट अबाउट सिलेक्शन सिलेक्शन कब आएगी सिलेक्शन आएगी ऐसे जो ये बच्चे बता रहे हैं देखो इसको पढ़ो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो थैंक यू